बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का नतीजा आ चुका है, जिसके बाद से सूबे में कहीं गम और कहीं खुशी का माहौल है। किशनगंज में भी ऐसा ही नज़ारा है। किशनगंज नगर परिषद के नए चेयरमैन इंद्रदेव पासवान बने हैं, जबकि उप मुख्य पार्षद पद पर निखत प्रवीण को जीत मिली है। वहीं बहादुरगंज नगर पंचायत प्रमुख सहरा तहसीन बनी है, जबकि उप मुख्य पार्षद की हॉट सीट पर गौसिया बानो काबिज हुई हैं। ठाकुरगंज नगर पंचायत में भी भारी उलटफेर हुई है। यहां पर सिकंदर पटेल ही सिकंदर बने हैं, जबकि उप मुख्य पार्षद पद पर उर्मिला देवी को जीत मिली है। आइए जानते हैं विजेताओं का आगे क्या प्लान है, कैसे इतनी बड़ी जीत मिली है। किशनगंज के जनता ने अमन चैन और विकास के लिए मुझे अपना मैंडेट दिया है, इसलिए किशनगंज के तमाम मतदाताओं का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद समर्पित करता हूँ और ईश्वर अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जिस वादे के साथ चुनावी मैदान में आया था, उसी चुनावी वादे को पूरा करने के लिए मैं 5 साल अपने खून पसीना को बहा करके जनता को दुख दर्द मिटाने का और किशनगंज में विकास बढ़ाने का और अमन चैन को बरकरार रखने के लिए मैं तैयार हूँ। शरीर का बूंद, एक एक बूंद खून का खतरा जब तक है, किशनगंज में अमन चैन में कोई खतरा नहीं। पूरे नगर परिषद क्षेत्र के आम आवाम को मेरे और मेरे धर्मपत्नी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और सबसे जो अहम बात है कि हमारे किशनगंज शहर के नगर परिषद के तमाम लोग यह ज़रूर व्यक्त किया कि आपसी सौहार्द को जो हमारे किशनगंज के लिए है, उसका प्रतीक बना करके हम लोग दोनों को जीत दिया। जो वादा किया निभाना पड़ेगा इंशाल्लाह। सर पीपल का पत्ता कितना सूखा? इंशाल्लाह, हमेशा से मेरी प्रयास यही रही है कि किशनगंज शहर के तमाम लोगों के हित में ही हम काम आए और अंतिम सांस तक ये प्रयास रहेगी कि जनहित का काम ईमानदारी से करते रहें।